वेलकम टू अनप्लग्ड एग्जाम। आज की क्यूज में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहां आपको डेली जीके एंड करंट अफेयर्स की क्यूज का वीडियो रोज रात के 9 बजे मिल जाएगा। इस क्यूज में आपको 20 क्वेश्चन का जवाब देना होगा और हर क्वेश्चन का टाइम होगा 5 सेकेंड। इस क्यूज का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज की क्यूज स्टार्ट करते हैं। आज की क्यूज का पहला क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसकी रेंज है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसकी रेंज है 70 किलोमीटर। इसका आंसर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने 17 सितंबर 2019 को क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। ये घोषणा की है दिनेश मोंगिया ने। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने हेतु 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये देश है स्लोवेनिया। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पूर्व भारतीय खिलाड़ी इंडियन सुपर लीग की फुटबॉल फ्रेंचाइजी केरल ब्लास्टर्स में अपनी हिस्सेदारी बेच रहा है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये खिलाड़ी है सचिन तेंदुलकर। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रथम सेंस चिकित्सा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को राज्य के गृह विभाग ने सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सिंगापुर और थाईलैंड के बीच किस स्थान पर 16 से 20 सितंबर के दौरान त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, पोर्ट ब्लेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ कोयला अनुसंधान व विकास के लिए एक राष्ट्र केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये किया गया है IISc बेंगलुरु में। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक बनी है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है डी, विंग कमांडर अंजलि सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकारी विभाग ने एक पोषण जागरूकता मुहिम शुरू की है जिसके तहत गुजरात के आणंद जिले में करीब 5000 स्कूली बच्चों को इस सप्ताह के निशुल्क दूध मुहैया कराया जाएगा। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, राष्ट्र डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, लाल मृदा।
लाल मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, नाइट्रेट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन के स्थापित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, एड्रेनलिन के वजह से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है ए, धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये चित्र प्राप्त हुए हैं भीम बेटका से। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को काला क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, आपका पहले खिलाफत आंदोलन हुआ, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, किलायु। किलायु ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा सक्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है सी, 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। इसका आंसर है बी, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से सही है? टाइम स्टार्ट होता है नाउ। टाइम अप। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। इसका आंसर है सी। ये थी आज की क्विज। आपको ये क्विज कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं कल नेक्स्ट क्विज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।